स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आरसीआई के ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा अगला टॉपिक है वो है कण की गति की प्रकृति के आधार पर गतियां, यानी कि इससे पहले हमने प्रकृति में जो गतियां होती है उनका अध्ययन किया था और अब हम पढ़ने वाले कण की जो प्रकृति है, कण की गति की जो प्रकृति है उसके आधार पर गतियों का अध्ययन करेंगे। तो उसमें भी तीन प्रकार की गतियां हमारे पास होती हैं। पहली है आपके पास स्थानांतरणीय गति। स्थानांतरणीय जो गति है, यानी कि इसके नाम से पता चल रहा है कि कोई भी कण या पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना, या हम कह सकते हैं कि कण या पिंड जो है अपना स्थान परिवर्तित करता है। तो ऐसी जो गति होती है स्थान परिवर्तन के कारण स्थानांतरित होती है, तो इस गति को हम बोलते हैं स्थानांतरणीय गति। किसकी वजह से होती है ये गति? होती है स्थान परिवर्तन के कारण। ठीक है, इसकी बात करें एग्जाम्पल की तो ये उदाहरण है। इसका उदाहरण देखे हैं तो इसमें आ जाता है सीधी सड़क पर चलने वाली गाड़ी की गति। जो कोई सीधी सड़क है वो सीधी सड़क पर अगर कोई गाड़ी चल रही है तो वो अपना स्थान परिवर्तित कर रही है और सरल रेखा में परिवर्तित कर रही है, तो ऐसी गति क्या कहलाती है? स्थानांतरणीय गति कहलाती है। इसकी जो एग्जाम्पल है इसको ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद देखो अगला है घूर्णन गति। तो घूर्णन गति की बात करें, घूर्णन गति जो आपके पास, इसमें जब कोई कण किसी निश्चित अक्ष के परिक्रमण करता है या घूर्णन गति करता है, जब कोई कण है किसी भी अक्ष के अनुदिश घूर्णन गति करता है, परिभ्रमण करता है, तो ऐसी गति क्या कहलाती है? वो कहलाती है घूर्णन गति। ठीक है, जैसे ये अगर अपने अक्ष की बात करें तो ये अपने अक्ष पे घूमता रहे, ये इसका अक्ष है, पृथ्वी भी अपने अक्ष पे घूमती रहती है, तो ऐसी जो गतियां होती हैं जो अपने अक्ष पे घूमने की वजह से होती है, परिक्रमण करती है, इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। देखो इसके उदाहरण ले लेते हैं। इसमें चलते हुए पंखे की गति, जो पंखा है, पंखा अपने अक्ष पे पंखे को घुमाता रहता है, उसका अक्ष फिक्स होता है, तो ऐसी गति जो है वो घूर्णन गति में आती है। अच्छा, उसके बाद है घूमते हुए लट्टू की गति। आपने लट्टू देखा होगा, बहुत सारी एक लट्टू आता था पहले, हम खेलते थे उससे, रस्सी को उसके ऊपर लगा के और फिर उसको छोड़ देते थे तो घूमता रहता था, तो अपने अक्ष पे घूमता रहता था। पृथ्वी भी अपने अक्ष पे घूमती है, इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है? घूर्णन होता है। तो जो आपको जो भी घूर्णन गति में क्या होगा, अक्ष जो है किसी भी अक्ष के परित कोई भी अगर परिक्रमण होता है, अक्ष के परित कोई भी परिक्रमण होता है, परिक्रमण मतलब उसके चारों तरफ घूमना, परिक्रमण होता है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहलाते हैं। ठीक है, घूर्णन गति कहते हैं। तीसरा देखिए, तीसरी दोलन या कंपन गति। दोलन या कंपन गति का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु को है, क्या है कि अपनी माध्य स्थिति की उधर उधर गति करे, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि एक बार आपने देखा होगा कि झूला जो है अपनी माध्य स्थिति की इधर उधर क्या करता रहता है? दोलन करता रहता है। तो अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द जो गति होती है, इस प्रकार की गति को हम कहते हैं दोलन गति। ठीक है, इस प्रकार की गति ही में दोलन या कहे इसको कंपन गति भी कहते हैं, यानी कि कंपन जैसे स्प्रिंग को देखा होगा आपने, स्प्रिंग को पकड़ के छोड़ दो तो क्या करती रहती? कंपन करती रहती है। ठीक है, इसके उदाहरण देखिए, तो उदाहरण इसमें आ जाते हैं आपके पास दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति। दीवार घड़ी जो है उसका जो पेंडुलम होता है वो अपनी माध्य स्थिति की इधर उधर क्या करता रहता है? कंपन करता रहता है। तो इस प्रकार की जो गति है, यानी कि माध्य स्थिति के इधर उधर स्प्रिंग भी दबा के छोड़ देते तो अपनी माध्य स्थिति के उधर उधर क्या करती रहती? कंपन करती रहती। ठीक है, और जो तीसरा है सरल लोलक, इसमें दूसरा जो उदाहरण है वो सरल लोलक की गति। जो सरल लोलक होता है वो भी इसी तरह से, जो पेंडुलम होता है वो इसी तरह से गति करता रहता है। ठीक है, तो जो कण है उसकी प्रकृति के आधार पर भी गतियां तीन प्रकार की होती है। स्थानांतरणीय, यानी कि स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी सीधी रेखा में अगर गति होती है तो स्थानांतरणीय गति है। अगर किसी अक्ष के परित घूर्णन होता है तो घूर्णन गति कहलाती है। और दोलन में क्या होता है? अपनी माध्य स्थिति के, माध्य स्थिति ये है, इस माध्य स्थिति के इधर और उधर गति होती है, तो ऐसी गति दोलन या कंपन गति कहलाती है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थी इस तरह से कण की गति की प्रकृति के आधार पर भी तीन गतियां होती है, तीन प्रकार की गतियां होती है। इससे पहले हमने गति के प्रकार पढ़े थे, उसमें भी तीन प्रकार की गतियां थी, एकविमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जो वीडियो हमारे चल रहे हैं उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना।